ब्लैक फंगस के बढ़ते खतरे को देखते हुए शिवराज सरकार अलर्ट मोड पे है। ब्लैक फंगस उपचार के लिए 5 मेडिकल कॉलेजों में विशेष वार्ड बनाने के दिशा निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए हैं। कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद अब मरीज ब्लैक फंगस के शिकार हो रहे हैं। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों ने सरकार को टेंशन में डाल दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ब्लैक फंगस के उपचार के लिए मध्य प्रदेश के 5 मेडिकल कॉलेज भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर और रीवा में विशेष वार्ड बनाने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में तेजी से ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मसले पर विशेषज्ञों से चर्चा कर आगे की रणनीति तैयार की है। तीसरी वेव की जो आवश्यकता या अनुमान है उसको ध्यान में रखते हुए हम अभी से क्या क्या तैयारियां करें। हमने पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट के लिए भी हमारे कोविड केयर सेंटर को कह दिया, पोस्ट कोविड केयर सेंटर भी होंगे। हमने अभी हमीदिया अस्पताल और भोपाल और जबलपुर में ब्लैक फंगस के लिए अलग वार्ड बनाने का फैसला किया, लेकिन मुझे लगता है कि ये केवल भोपाल और जबलपुर नहीं, हमको 5 पुराने जो मेडिकल कॉलेज हैं जिसमें इंदौर भी है, ग्वालियर भी है, रीवा भी है, वहाँ ब्लैक फंगस के इलाज के लिए हम अलग से वार्ड बनाएंगे ताकि उस रीजन के पेशेंट्स का इलाज हम वही संपन्न कर सके। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।